डिजाइनिंग वाला काम हो गया, अब आपको रेगुलर रहना पड़ेगा बैच में थोड़ा। तो अब लाइन नंबर 7 का लिखा ना कंटेनर रैपर, इसके नीचे आओ, नीचे आओ। लाइन नंबर 9 को बंद करना, लाइन नंबर 9 10 को बंद करो, हाँ 10 को बंद कर लो, और जो मेन कंटेंट बंद कर लो, जो मेन कंटेंट जो हटा दो पूरा, मेन कंटेंट के अंदर वाला जो है ना इसको खोलना, एक मिनट को इसको ओपन करना। ठीक है इसको हटा दो कंटेनर जी, यहाँ से हटाओ इसको खोलना, इसको एक बार ओपन करना, ये लाइन नंबर 29 से हटा दो, 29 बंद करना, कंटेनर फ्लोट बंद करना, हाँ जी अंदर कैसे हटा दो इसको, सेव करो, देखो क्या दिख रहा है। वेबसाइट रिफ्रेश करो, ठीक है चलो काफ़ी है। अब जो लिखा है ना स्टार्टर पेज, इसको भी हटा दो, हेडर भी हटा दो, हेडर की मेरे को जरूरत नहीं है। लाइन नंबर 9 10 जो हेडर लिखा ना कंटेनर हेडर कंटेंट हेडर 10 और 24 वाला कोड जी बिटा दो, हटा दो उसको भी, मैं इसकी नीड नहीं है। और ये कमेंट भी हटा दो उसके कंटेनर वाले, बस ठीक है। सबने डालिए, सबने डालिए, डालो हाँ जी, चलो तुम कर दो, रोहित कर दो, चलो सही तो चल रहा, नेट सही तो चल रहा है तुम्हारा, अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। साइड बार वाले कोड में सब लोग आ जाएं, 25 कर लो, हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं साइड बार में थोड़ा पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सब देखिए साइड बार में क्या कर रहा हूँ, है ना। चलो वो लिखा है ना एडमिन LTD, उसको एडमिन डैशबोर्ड कर, एडमिन कर दो किला, वो लिखना लाइन नंबर 5 पे एडमिन LTD, उसको एडमिन लिख दो, नीचे स्पैन में सिंपल एडमिन कर दो उसको। अब नीचे आओ, नेम चेंज कर दो, अभी तो ऐसे डाल दो, अपन नाम डाल दो, बाद में स्टेट डायनेमिक कर लेंगे इसको, अभी तो अपन नाम डाल दो राहुल अकेला। चलो नीचे आ जाओ, धीमे धीमे, बस 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 बस, अब थोड़ा ऊपर चलो, बस बस ही। अब देखो सब लोग, हमें यहाँ पे काम करना है नेव के अंदर, नेव कहाँ चला गया, हाँ नीचे आ जाओ, नेव बार स्टार्ट हो रहा होगा नीचे से, और नीचे आओ तुम, थोड़ा पहले कंट्रोल माइनस करो, ठीक है। अब देखो लाइन नंबर 34 पे लिखा है UL, और जो लिखा है ना स्टार्टर पेज, और लाइन नंबर 37 पे लिखा है LI के अंदर क्लास बनी है नेव आइटम मीनू ओपन नाम से, जी मीनू ओपन वाली क्या हटा दो यहाँ से, मीनू ओपन लिखा है लाइन नंबर 37, मीनू ओपन वाली क्लास हटा दो सब लोग, मीनू ओपन अकेला, मीनू ओपन बोला अकेला मैंने हटाने को, जैसे वो ओपन ओपन हो रहा है ना साइड बार ओपन नहीं होगा, फिर जो लिखा है ना स्टार्टर पेज यहाँ पे लिखो यूजर, या स्टूडेंट लिखो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कर दो, ठीक है। बाकी लोगों ने लिख लिया ये नेव आइटम के बगल में लिखा होगा मीनू ओपन, वो हटाना है, ठीक है। अब जो लिखा है ना नीचे एक्टिव पेज, यहाँ पे लिखो एड स्टूडेंट, और जो लिखा है ना HREF के अंदर हैश, वहां पे लगाओ स्लैश, उसी ऊपर एंकर टैग में स्लैश एड स्टूडेंट,
एड स्टूडेंट साथ में, हाँ बस इतना, स्टूडेंट अकेला स्टूडेंट लिखना है। हाँ पहले इतना सब नोट कर लो, इतना सब लिख लो। आज ये फ्रंट एंड बैक एंड वाला काम फिनिश हो जाएगा, मंडे से हम ऐड स्टूडेंट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब इंसर्ट करना चालू हो जाएगा मंडे से। ठीक है, तो मंडे से प्रॉपर रहना, ठीक है, और रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहें, अब प्रॉपर क्लास लेनी होगी सबको, है ना। और इतना पहले मंडे को सबको चेक होगा, प्रैक्टिस वाला फोल्डर, प्रैक्टिस वाला फोल्डर यहाँ तक पहले मंडे को सबका चेक करेंगे और फिर हम इंसर्ट ऐड स्टूडेंट वाला काम करेंगे। तो दो दिन मिलेंगे आपको कवर करने के लिए अच्छे से, दो दिन में कवर कर लेना आप लोग। हो गया इतना काम, बाकी लोगों का चलो अब आगे बढ़ते। अब नीचे आओ, नीचे दिखाई को एलआई है ना, ये एलआई हटा दो यहां से, ये हटा दो एलआई। अब फिर नीचे आओ, सब देख लो कौन सा एलआई आना था, कंट्रोल जेड कर देना, जो लिखा ना इनएक्टिव पेज इसको हटाना है, एलआई हटा दो इसको। अब नीचे लिखा है सिंपल लिंक, यहां पे लिख दो लॉग आउट, लॉग आउट साथ में, और एचआरएम में लिखो स्लैश लॉग आउट। लिखो इतना सब लोग, और जी स्पेन हटा दो यहां से, नीचे स्पेन लगा हुआ जी। हो गया, चलो आप पहले चेक कर लो क्या दिख रहा है वेबसाइट पे, साइड बार चेक करो। हाँ दिख रहा है, स्टूडेंट्स पे क्लिक करो, एज स्टूडेंट आ रहा है, सब देखो। अभी नहीं, अभी 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 डाउट बनेगा सर। आप लोग दो दिन में क्या करोगे, दो दिन में इस डैशबोर्ड का कलर चेंज कर दोगे, ठीक है जी, ब्लैक कलर सब बदल दे। नीचे देखो, नीचे लिखा है ना कॉपीराइट, जी कॉपीराइट चेंज कर दे, नीचे लिखा है, अब दिख रहा है ना साइड में, राइट साइड में ऊपर देखो टॉप पे, ऊपर टॉप पे ये सब हटा देना, इतने दिख रहे हैं यहाँ पर सब चीज़ें, ठीक है। सबका इतना सेट हो गया, रिप्लाई तो दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं सब लोग, है ना। अब चल के बनाओ क्या एडमिन, अब वेब पे, अब एडमिन के अंदर एक बनाओ स्टूडेंट कंट्रोलर, एडमिन के अंदर एक नया बनेगा स्टूडेंट कंट्रोलर। मंडे को सबका फ्रंट एंड बैक एंड रेडी होना चाहिए प्रैक्टिस वाले फोल्डर में, पहले वो सबका चेक करेंगे, उसके बाद हम
इंसर्ट वाला काम करेंगे अब, ठीक है। आपकी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग रेडी कर दी आगे की पीछे की। चलो क्लास बनाओ, जब कंट्रोल बना करें तो क्लास बना लिए करो, खुद से बनाओ स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास, और एस रखा करो कैपिटल कंट्रोलर का, कंट्रोलर का एस कैपिटल रखो। जब भी कंट्रोलर बनाया करो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और कंट्रोलर का सी कैपिटल होना चाहिए। एस कैपिटल कंट्रोलर का सी कैपिटल, ये हमेशा करके रखा करो, सही रहता है। क्लास बन रही है, क्लास लेटर तो कैपिटल होना चाहिए ना। अब बना लो क्लास, यहाँ पे इतना काम तो कर लिया करो। क्लास, क्लास का नेम, अब देखो देखना पड़ेगा उसको, देखो जी हालत है, देखो ये कंपनी में नहीं चलता, ये कॉपी पेस्ट वाले काम। वो कहेगा सामने स्क्रीन से करो ना, मेरे सामने करो कोड, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो राहुल कुशवाहा, जब इंटरव्यू होता है सामने स्क्रीन से करवाता है वो, कि लिख के दिखाओ मेरे सामने कोड, जल्दी नहीं है आप कोड लिखो, तभी तो मालूम पड़ेगा कोड लिख पा रहे हो, लिख पा रहे हो। ये अंदर का हटाओ, है ना, लिखना सीखो स्क्रीन से कर, स्क्रीन में शेयर क्यों करवाता हूँ पता है, जिससे कम से कम लिखना सीखो, कोडिंग करना सीखो, हमेशा रखना। अब जो लिखा है डैशबोर्ड उसको ऐड ऐड करो, ऐड स्टूडेंट करो। स्टैटिक में जो लिखा है, स्टैटिक में स्टैटिक लिखा है, वहां पे लिखो ऐड स्टूडेंट, और यहां पे लिखो एडमिन स्लैश ऐड स्टूडेंट, एडमिन स्लैश ऐड स्टूडेंट, और लाइन नंबर एक से एंटर दे दो, एक से एंटर दे दो, बस ठीक है। पहले इनको इतना नोट कर लें दो, अरे रुको रुको, तो तुमने कहाँ तक काम कर लिया, अरे अरे ये तो पुराना काम है ना परसों वाला, कौन सा जी, लो शेड्यूल ले लो, अरे जी तो डैशबोर्ड वाला पुराना काम है ना, आपको परसों कराया था डैशबोर्ड और ईजीएस वाले कोड पेस्ट करा दी उसमें, और चेंज तुमने तोड़े तो ले लो पेस्ट, चैट में आ गया, कर लिया सबने पेस्ट, आगे बढ़ू मैं। बोलो चलो अब बनाओ चल के राउट, आ जाओ राउट बना लो, चलो इसी के नीचे कमेंट लगाओ, लिखो एडमिन, पहले लिखो एडमिन, पहले लिखो आगे एडमिन, एडमिन एडमिन के अंदर बन रही ना चीजें, फिर अब लिखो स्टूडेंट कंट्रोलर ऐसे, तो याद रहेगा कि एडमिन के अंदर चीज़ें बन रही हैं। अब बना लो कंट्रोलर राउट, राउट डॉट गेट एडमिन स्लैश एड स्टूडेंट, राउट डॉट गेट सिंगल कोट में, सिंगल कोट लगा ऊपर से देख के छाप लो, स्लैश स्लैश आता है महाराज, ये तो चीज़ें रट जाने चाहिए, अब कहाँ कैसे लगाना है इतना सबको, कॉमा स्टूडेंट कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, डॉट एज स्टूडेंट कहाँ चले गए, अरे वो अपने आप आ जाता है, तुम लिखोगे तो वहां से डॉट लगाओगे अपने आप दिखाता है वो, तो तुम ऐड डालोगे तो ठीक है। चलो सेव कर लो, बाकी लोग बना दे राउट, ये इतना तो सबको रट जाए, कंट्रोलर मेथड राउट्स इतने तो आपको रट जाना चाहिए, ऊपर से इंक्लूड के अंदर का हटाना पार्ट सारा, इंक्लूड्स के अंदर के लिखा है डॉट साइड हटा दो, पहले हटाओ, अब लिखो डॉट डॉट स्लैश, लेआउट सारा एंटर दो,
फिर एंटर दो, स्लैश लगाओ, हेडर दो, ठीक है। अब नीचे वाला सीखो, लाइन नंबर 14 वाला, तो मैं डॉट डॉट को स्पेस दे रखा है, वो डॉट डॉट के बाद देखो स्पेस दे रखा है, तो अरे क्या होगा, डॉट डॉट का तुमने स्पेस दे रखा था, बस वही सही करना था। बस सेव करो फाइल को, चेक करो, ये थोड़ा टर्मिनल नीचे कर लो जिससे मैं दिख जाए, टर्मिनल टर्मिनल से मालूम पड़ जाता है एरर आ रही कि नहीं आ रही, नीचे टर्मिनल दिया है उसमें, एरर सही कर लो उसकी, नीचे टर्मिनल को स्क्रॉल कर लो, नीचे नीचे स्क्रॉल, नीचे ले आओ उसको, सबसे लास्ट में ले आओ, देवता टर्मिनल को थोड़ा लास्ट में ले लो, सबसे लास्ट सही चल रहा है, सब बंद करना, बाकी लोग नोट कर लें, बाकी लोग नोट कर लें, मैं ये बोल रहा था, बाकी सब नोट करके चेक कर लो आ रहा कि नहीं आ रहा अपना, और उस पर क्लिक करना, स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पेज क्यों लिख दिया, सिंपल स्टूडेंट लिखना था, और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करो तो आपके में खुल के आ जाएगा ऐड स्टूडेंट, और लॉग आउट में स्पेस नहीं देना होता है, और बाद में कर लेना सही, स्टूडेंट को दिखाओ कोड, कोड दिखा दो, एडमिन एलटीडी वाले फोल्डर में जाओ, उसके अंदर पेजेस नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक टेबल नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर हमें टेबल ओपन करनी है डेटा वाली, कर ली सबने ओपन, चलो आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब कोई नहीं कर रहा बैच में, अब देखो क्या करना है, कोई देखो मैं कोई बैकएंड वाला काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल डिजाइन कर रहा हूँ, चलो इस पेज को, वो पेज है ना, रुको रुको दो मिनट रुको, वो डेटा वाला कोड पेज फाइल कहाँ है, अरे फोल्डर के अंदर थी ना डेटा, टेबल के अंदर डेटा नाम का आ रहा था वो, इसको वी एस कोड पर ओपन कर लो, डेटा को वी एस कोड पर ओपन कर लें सब लोग, जो डेटा आ रहा ना डेटा वाली फाइल, सब इसको वी एस कोड पर ओपन कर लो, जिससे वहां से हम कोड कॉपी कर सकें, हमें कौन सी टेबल चाहिए, हमें चाहिए डेटा टेबल, इसमें सर्चिंग आर्चिंग सब कुछ मिलती है हमें, सब लोग ओपन कर लें डेटा टेबल, पेजेस के अंदर पूरे के सीधा टेबल वाला खोल देते डायरेक्ट, डेटा वाला ये, अब इस फाइल वाला फाइल साइड में कर दो, फोल्डर वाला साइड वाला जो हाँ जी बंद कर दो, अब सब देखो ये डेटा डॉट एस टी एम वाला मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे टेबल इसी में से चाहिए, कौन सी टेबल चाहिए, ब्राउजर पे आना, ब्राउजर पे आना, नीचे आओ थोड़ा, नीचे आओ थोड़ा, ये वाला टेबल नीचे दिख रहा है, डेटा टेबल विद डिफॉल्ट फ्यूचर, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, डेटा टेबल विद डिफॉल्ट फ्यूचर, दिखा दो इस टेबल में खासियत क्या है, दिखा दो पहले इस टेबल में खासियत क्या है, देखो इस टेबल में आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एसबी निकाल सकते हो, पीडीएफ निकाल सकते हो टेबल का, ठीक है, और देखो ये सॉर्टिंग सेटिंग कर सकते हो, और उसमें दिखाना सर्च कर सकते, सर्च करके दिखाओ उनको, वो सर्च करो, नाम डालना पीएन, जो नहीं होगा तो देखो अपने बढ़ जाएगा, पीएन लिख देना, पीएन उसमें देखो, पीएन नहीं होगा तो क्या मैच लिख के आ रहा है, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, और नीचे इनको दिखा देना पेज निशन, नीचे इनको पेज निशन दिखा दो, ओके, देखो सब पेज निशन लगा हुआ है डायनेमिक,
तो दिख रहा है अपने आप चल रहा है, दिख रहा है। इसको बोलते हैं अपन डेटा टेबल, है ना। ये पूरी टेबल जेक्वेरी से बनी होती है, ठीक है। चलो अब ये टेबल मिलेगी मुझे कैसे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो ये लिखा है ना डेटा टेबल विद डिफॉल्ट फीचर, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे कंट्रोल एफ किया तो जी मुझे मिल गया कार्ड, दिख रहा है डिप क्लास कार्ड। बूटस्ट्रैप सीखा होगा आप लोगों ने सब ने, तो ये कार्ड दिख रहा है 1298। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो 1298 पे पहुंच जाओ, यहाँ से इसको बंद कर देना, कार्ड बंद कर देना, ये कार्ड पूरा कॉपी करना है, 1298 को बंद करके कॉपी करना है सब लोग। ये कार्ड है, ये कार्ड के अंदर टेबल है बूटस्ट्रैप वाली, बस इसमें जेक्वेरी मेंशन कर दी गई है हमारे लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पेस्ट कर दो, ये डा दो H1 के नीचे, H1 लिखा है ना इसी के नीचे ऐड कर दो अभी के लिए, बाद में डा देंगे अपन H1। बस सेव करो, बाद में सही कर लेना, सेव करो पहले, देखो ब्राउज़र पर टेबल आई कि नहीं आई। सब देखो जी आगे टेबल, ऊपर से दिखाऊंगा, ऊपर से देखो दिख रहा है ये आ रही टेबल, आप लोग देख लें। अब इनको दिखा दो कहाँ से पेस्ट करना, फिर से एक बार देखो दिख रहा है 1298 कार्ड, आवाज ही नहीं आ रही किसी की। अब एडमिन LTD पे आ जाना, एडमिन LTD पे आ जाओ ब्राउजर पर, अरे कोड पे वेबसाइट पे आ जाओ। बगल में अपनी वेबसाइट पे आ जाओ। अब देखो टेबल तो आगे, मगर टेबल सही फॉर्मेट नहीं आ रहा ना, इसमें सर्च वाला आ रहा है ना, इसमें पेजेस ना सही नहीं आ रहा है। तो अभी सही क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिंक्स पेस्ट नहीं करी जेक्वेरी के लिए टेबल की, है ना। तो हमें वो पेस्ट करनी पड़ेगी हेडर के अंदर, तो चलो आओ हेडर में, चलो उसी में डेटा टेबल में आओ, VS कोड पे आ जाओ टेबल वाले VS कोड पे आ जाओ। सब सुपर आओ, सबसे टॉप पे पहुँच जाओ। देखो कौन सी लिंक्स पेस्ट करनी है, दिख रहा है लाइन नंबर 12 पे, लाइन नंबर 12 पे सबको दिख रहा है, कमेंट में लिखा हुआ है डेटा टेबल्स, ये लाइन नंबर 12 से लेके लाइन नंबर 15 तक कॉपी कर लो। अरे कमेंट भी ले लो साथ में, ये तीन लिंक कॉपी कर लो सब लोग और हेडर में जाके पेस्ट कर लो। हेडर में आ जाओ, हेडर में अपने, हाँ हेडर डॉट ईजीएस में आ जाओ, हेडर डॉट ईजीएस में आके पेस्ट कर लो, नीचे आना, नहीं पेस्ट कर लो लाइन नंबर 18 के नीचे से, लाइन नंबर 18 के नीचे से पेस्ट कर दो। हाँ और ये डॉट डॉट स्लैश सब हटा दो, ये प्रेगेंस क्या है, सिंपल स्लैश अकेला आएगा, बाकी सब देखते जाओ। ये सब हटा दो नीचे से, सेव कर लो फाइल को, अभी फुटर में भी पेस्ट करना पड़ेगा अपन को। तो अब उस पर चलो अभी नहीं आएगा, अब फिर आप फुटर की भी लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी ना, उसी पर आ जाओ VS कोड पे डेटा वाले के। अब सबसे लास्ट में पहुंच जाओ फुटर में, सबसे लास्ट में पहुंच जाओ फुटर पे, सब देख लो। हाँ नीचे आओ, और ये लिखा है डेट टेबल स्क्रिप्ट, ये कॉपी कर लो सारी कमेंट से नीचे तक। हाँ ये कॉपी करके वहां पेस्ट करो जाके फुटर में, फुटर में जाके पेस्ट कर लो, फुटर डॉट ईजीएस में जाके पेस्ट कर लो, इसी के नीचे पेस्ट कर लो लास्ट में, यही नीचे पेस्ट कर लाना 20 के नीचे से।
अब वो सब में से बटा दो आगे से स्लैश वाली चीजें, डॉट डॉट स्लैश से बटा दो। बाकी लोग भी करते जाएं ये चीजें। अब एक और रहेगा ये, उसमें देखो स्क्रिप्ट और रहेगी लास्ट में, वहां जाके देखो स्क्रिप्ट और कॉपी कर लो, वहां से जाके स्क्रिप्ट और कॉपी कर लेना, लास्ट में चाहिए स्क्रिप्ट सबसे नीचा। हाँ यही स्क्रिप्ट और कॉपी कर लो पूरी, बस स्क्रिप्ट से स्टार्ट करो, स्क्रिप्ट से एंड करो। हाँ ये पूरी स्क्रिप्ट और ले लो और जियो पेस्ट कर दो, बस उसी के नीचे ही। अब देखो पूरा आ गया सब, देखो नीचे पूरी टेबल सही आ गई है, टेबल देख लो पूरी टेबल सही आ गई है, पूरा सही हो गया। इनको भी दिखा दो,